चलें जी, आज मैं बैंकॉक से फुकेट जा रहा था और हुआ क्या कि मुझे ना एक बीच में चीज़ मिली है कि थाई स्माइल से जब मैंने सफ़र किया तो इन्होंने कुछ बॉक्सेस दिए हैं। वो क्या बॉक्सेस दिए हैं वो एंड में दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जाके बैठता हूँ क्योंकि डब्बे लेने से के पहले मुझे इसमें ट्रैवल करना पड़ेगा। और जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे उतरूंगा, क्योंकि पहले ये देते होते थे सुनने में आता है कि बूफ है, लेकिन ड्यू टू कोविड तब से लेके अब तक का इन्होंने क्या सिस्टम किया थोड़ा सा चेंज कर दिया। और यार बादल देखो, अमेजिंग व्यू, द व्यू दैट यू नेवर कैन बाय इन अदर कंट्री रेदर देन इन थाईलैंड। जी हाँ, काफ़ी फैसिनेटिंग व्यू है और यहाँ से मतलब मज़ा आ गया यार। मैं मतलब कुछ बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है, जज्बात भी नहीं रहे, अब जज्बात में मैं बाहर आया हूँ। जस्ट किडिंग। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, मुझे खामा पीली हंसने का दिल चाह रहा है और मुझे चाह रहा है कि मतलब मैं आप लोगों को हर ईच एंड एवरीथिंग छोटी छोटी सी डिटेल दिखाऊं ताकि आपको ऐसे महसूस हो कि आप इधर ही हैं। मैं पाकिस्तानी आवाम इतना उतावला हो रहा हूँ, मैं दिल चाह रहा है कि इस वॉक वे पे भी मैं चलते चलते खोल के आपको दिखा दूँ, लेकिन उसके लिए सब्र करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपना बैग उठाता हूँ और फटाफट अपने रूम में जाके क्या करता हूँ, ये डब्बा खोलता हूँ और ख़ुद सबसे पहले मैं नहा के निकल रहा हूँ। यार ये तो चीज़ मस्ट है ना, आप किसी भी होटल में जा रहे हैं और आपने उसके बेड के ऊपर कूदा नहीं तो आपने क्या किया। थाई स्माइल ने जो हमें दिया था वो क्या दिया था और क्या मैंने परचेज किया था, तो ये मैंने परचेज किया था जो ड्यूटी फ्री आइटम थे और ये पेस्ट्री थी, और साथ में इन्होंने कहा था थाई स्माइल ने आज कुछ स्पेशल देने लगे हैं, क्रिसमस केक। ट्राई करते हैं, बहुत जूसी लग रहा है, मजा नहीं होती जैसे, बिल्कुल वैसे है। एंड लेट मी ईट।